हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड है, काफ़ी लोगों ने मुझे टॉपिक पे वीडियो बनाओ, और वैसे भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा सर्चेबल है। सो हमने सोचा फाइनली ये वाला टॉपिक पे बनाई देते हैं। हम लोगों का ऑलमोस्ट 5 ईयर्स हो चुका है हम यहाँ यूके में हैं, और काफ़ी ज़्यादा हमने जगह भी बदला है। जहाँ जहाँ हम लोग चेंज हो के रहे हैं, उन सारे जगह के हिसाब से हम काफ़ी ज़्यादा आइडिया हो चुका है यहाँ के लिविंग कॉस्ट के बारे में। तो हमने सोचा आज का टॉपिक बनाया जाए, तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट टॉपिक है रेंट। सबसे ज्यादा महंगा जो है वो है हाउस रेंट। कि जिस एरिया में आप रह रहे हैं उस हिसाब से वहाँ का रेंट होगा। तो अगर आप लंदन में हैं तो बहुत ज्यादा रेंट पड़ता है, और लंदन से जितना दूर रहेंगे उतना रेंट जो है नॉर्मल रहता है। और बाकी टूरिस्ट एरिया अगर है तो ज़्यादा रेंट रहेगा, और अगर टूरिस्ट एरिया नहीं है, जैसे हम जब नॉटिंगम में थे तो वहाँ पे रेंट कम था, काफ़ी ज़्यादा कम था इवन नॉटिंगम का तो, और उस कंपैरिजन में ब्राइटन में बहुत ज़्यादा महंगा था। यहाँ पर भी जो है, हम ऑक्सफोर्ड शहर में रहते हैं तो यहाँ पर भी रेंट जो है ब्राइटन के लगभग ही है, लेकिन हम हाउस में यहाँ पर रहते हैं और वहाँ पर हम फ्लैट में थे। अभी रेंट में भी आप उस रेंट को भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंडिया से आ रहे हैं और आपका अगर एक छोटा फैमिली है, एक किड है, तो कंसीडर करके चलिए कि फैमिली में हस्बैंड वाइफ के लिए एक रूम, किड के लिए एक रूम, एक रूम में एडजस्ट हो सकता है। दो मेन मतलब मेन ये है कि यहाँ पे अगर बच्चे हैं तो 1 BHK आप नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे अलाउड नहीं है। विद किड आपको मिनिमम 2 BHK की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज आपको घर ही नहीं मिलेगा। अगर आप बोलोगे कि हमारा फैमिली 3 जन का है, बच्चा भी है, तो आपको 1 BHK नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर रूल ही नहीं है 1 BHK फैमिली पर्सन को देना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं, एक बच्चे के साथ, तो मिनिमम 2 BHK या अबव लेना पड़ेगा। अगर सिर्फ आप एक कपल आ रहे हैं तो आप 1 BHK में भी एडजस्ट कर सकते हैं, उस हिसाब से रेंट कम हो जाएगा। अगर आप सिंगल आ रहे हैं तो आप एक शेयरिंग में भी रह सकते हैं, तो उस हिसाब से फिर भी कम हो जाएगा। तो आप एक एवरेज अगर फैमिली का पकड़ के चले, तो फिर हम लोग को यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 1200 pounds एक 2 bedroom हाउस का देना पड़ रहा है। तो उसके बाद फिर हाउस का हो गया, हाउस के बाद इंटरनेट हो गया। अभी इंटरनेट में आप डिफरेंट सब्सक्राइबर से आप बात कर सकते हैं, और उस हिसाब से कौन आपको अच्छा ऑफर दे रहा है इंटरनेट का, उस हिसाब से आप उसके साथ जा सकते हैं। उसका पर मंथ मुझे अराउंड 25 pounds पड़ रहा है। अगर आप इंटरनेट में, अगर आपके पास टीवी भी है, और टीवी में अगर आप लाइव कोई प्रोग्राम देखना चाहते हैं, देख रहे हैं, या BBC एंड ऑल, अगर आपको आपका रिक्वायरमेंट है, तो उस हिसाब से आपको टीवी का भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो आपको जो भी आपका इंटरनेट प्रोवाइडर है, आप उससे बात कीजिए, वो आपको उस चैनल के भी चार्जेस और उसके साथ टीवी लाइसेंस का अराउंड 13-14 pounds के बीच में पड़ता है पर मंथ। हाँ, और अगर आप स्पेशल जैसे इंडियन चैनल्स भी आपको देखना है, तो उसके लिए अगर आप केबल कनेक्शन ले रहे हो तो वो एक्स्ट्रा है, वो काफी ज्यादा कॉस्टली, मेरे ख्याल से 70-80 pounds पर मंथ पड़ता है। इंडियन चैनल्स भी आते हैं उसमें, सब कुछ कर सकते हैं। तो टीवी लाइसेंस तभी जरूरत है अगर आप कोई लाइव वीडियो देख रहे हो, या बीबीसी का कोई चैनल देख रहे हो, तभी आपको जरूरत है। अदरवाइज आप नेटफ्लिक्स या अमेजोन प्राइम का वीडियो या यूट्यूब देख रहे हो, तो उसके लिए टीवी लाइसेंस की जरूरत नहीं है यहाँ। नेटफ्लिक्स का हम लोग का अराउंड 6.99 अराउंड 7 pounds पर मंथ का हम लोग का नेटफ्लिक्स का लगता है, और से अप्रोक्सीमेटली सिमिलर हम लोग का अमेजोन प्राइम का भी लगता है। सो नेक्स्ट टॉपिक है काउंसिल टैक्स। अभी काउंसिल टैक्स का भी होता है कि आप किस एरिया में रह रहे हैं, उसका क्या बैंड है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। प्लस आपका जैसे ABCDEF इस तरह से बैंड रहता है, उस हिसाब से भी डिपेंड करता है। आपका घर कितना बड़ा है, उस हिसाब से भी आपका काउंसिल, अगर 1 BHK है तो थोड़ा कम होगा, 2 BHK और ज़्यादा होगा, तो उस हिसाब से। तभी हम लोग का जैसे 2 BHK, उस हिसाब से मुझे काउंसिल टैक्स अप्रॉक्सीमेटली 191 pounds मुझे काउंसिल टैक्स का देना पड़ता है। और काउंसिल का बेसिकली काम है जैसे कि रबिश उठाने आते हैं, उसके बाद रोड्स का मेंटेनेंस करना, स्ट्रीट लाइट्स का मेंटेनेंस करना, फिर जो लोकल काउंसिल का जो लाइब्रेरी है अगर आप उसको यूज कर रहे हो, काउंसिल में स्कूल भी तो आता है, काउंसिल में स्कूल भी आता है, तो ये सब मिला के जो है काउंसिल जो है टैक्स लेता है। तो डिपेंड करता है एरिया के हिसाब से, घर के हिसाब से। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस एंड वाटर।
अभी इलेक्ट्रिसिटी और गैस का नॉर्मली एक ही आपका एजेंसी होता है जो आपको प्रोवाइडर जो आपको देता है, आप मल्टीपल प्रोवाइडर से भी ले सकते हैं, फिर वो फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि आप एक बीटी से सॉरी आप एक कोई एक प्रोवाइडर से लिया फिर दूसरा कोई दूसरा प्रोवाइडर से। और नॉर्मली ये भी आप देख लीजिए कि नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज गैस का चार्ज क्या रहता है, नॉर्मली गैस का चार्ज अभी जैसे ज़्यादा है, इलेक्ट्रिसिटी का कम है। और हम लोग नॉर्मली घर में कुकिंग ज़्यादा करते हैं, अगर आपका इलेक्ट्रिक बेस है तो उस हिसाब से आपका इलेक्ट्रिक के चार्जेस ज़्यादा होंगे, तो उस हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। अगर आपका गैस का रिक्वायरमेंट है तो गैस के बिल्स ज़्यादा आएंगे, तो अगर एक प्रोवाइडर से लेंगे तो उस हिसाब से आपका चार्जेस डिफर करते हैं। तो आप प्लान चेक कर लीजिए। अभी हम लोग का गैस और इलेक्ट्रिसिटी एक ही एजेंसी से लिया हुआ है और हम लोग का अराउंड गैस और इलेक्ट्रिसिटी का 156 pounds पहले था, अभी जनवरी से फिर चार्जेस बढ़ गए हैं, अभी हम लोग का 198 pounds करके पर मंथ लगता है। और इलेक्ट्रिसिटी भी डिपेंड करता है, विंटर में अलग आता है, समर में थोड़ा सा कम रहता है, क्योंकि विंटर में हम रेडिएटर वगैरह मतलब हीटिंग चलाते हैं, वॉशिंग मशीन में हम क्लोथ्स वॉश करने के बाद हम ड्राई भी उसी में करते हैं। समर में क्या होता है, हम कपड़े बाहर डाल सकते हैं सुखाने के लिए, तो उसमें सेव होता है। फिर समर के टाइम पे हम हीटिंग भी नहीं चलाते हैं, तो इसलिए उस टाइम पे थोड़ा सा कम आता है, विंटर में थोड़ा सा ज़्यादा आता है। तो बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि पर मंथ के क्या चार्जेस हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि अगर आप नया कनेक्शन लिया तो आप का मनी बैक भी देंगे, बहुत सारे में ऐसे जैसे अभी चार्जेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं तो उस हिसाब से गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रहा है, गवर्नमेंट एक परसेंटेज उसका मनी बैक कर रहा है। आप डायरेक्ट डेबिट में जा सकते हैं, फिक्स टैरिफ में जा सकते हैं, वेरिएबल टैरिफ में जा सकते हैं, उस हिसाब से आपके चार्जेस डिफर करेंगे। और फिर आते हैं वाटर, वाटर का भी बता दो। वाटर का भी एक फिक्स अमाउंट यहाँ पर वो भी चार्जेबल है, अभी वाटर के लिए वाटर में भी सेम ठंड में लोग कम नहाते हैं, गर्मी में ज़्यादा। काउंसिल का ही है, सेम वही गर्मी और ठंडे का है। हाँ। आप कितना फ्लश यूज कर सकते हैं, करते हैं, इवन हम जो टॉयलेट में फ्लश यूज कर रहे हैं जितने बार उसके हिसाब से भी काउंट होता है यहाँ पे। और जैसे समर के टाइम पे लोग बाहर स्विमिंग पूल में पानी भर रहे हैं मस्ती करने के लिए, तो उसमें भी ज्यादा खर्चा होता है समर के टाइम पे, और ठंड के टाइम पे पानी थोड़ा सा कम यूज होता है, तो उस हिसाब से तो वो उस हिसाब से वो लोग घर के हिसाब से वो लोग चेक कर लेते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा बिल हो रहा है तो आप काउंसिल को कांटेक्ट कीजिए, वो घर में आके मीटर लगा के वो चेक करेंगे। लेकिन नॉर्मली हम लोग का 75 pounds पर मंथ चार्ज लगता है वाटर का। नेक्स्ट टॉपिक है मोबाइल, मोबाइल का कनेक्शन और ये शिप बता देंगे। हाँ, अभी मोबाइल का जैसे हम लोग इंडियन हैं तो हम लोग को यूके में भी फ़ोन करना पड़ता है, इंडिया में भी फ़ोन करना पड़ता है, तो उस हिसाब से हम लोगों ने ऑल इन वन 10 का प्लान लिया है। उस हिसाब से तनुश्री को 10 pounds का पर मंथ डायरेक्ट डेबिट चार्ज करते हैं और मेरे में डायरेक्ट डेबिट चार्ज होता है, उसमें आराम से इंटरनेशनल कॉल भी हो जाता है, इंडिया यूके का भी लोकल कॉल, टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप सब कुछ हो जाता है। तो 10 pounds एनफ है हम लोग के लिए, मतलब 10 टोटल 20 pounds हम दोनों का लगता है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल कॉल नहीं करते, हम लोग का व्हाट्सएप कॉल से ही काम चल जाता है। हाँ। बहुत ज़्यादा अगर ज़रूरत हो तो फिर आप ज़्यादा का भी ले सकते हो, बट हम लोग का 20 pounds दोनों का मिला के मंथली हो जाता है। नेक्स्ट है ग्रॉसरी शॉपिंग, तो मंथली ग्रॉसरी शॉपिंग लोकल जो लोकल शॉप्स है जैसे सेंसबरी है, लिडिल है, एसडा है, टेस्को है, ये सब अलग, और इंडियन शॉप में अगर आप जा रहे हो तो फिर अलग, तो दोनों का मिला के अप्रॉक्सीमेटली कितना आता है मंथली? अप्रॉक्सीमेटली पहले तो हम लोग का 50 pounds में हो जाता था, लेकिन अभी सब पर चार्ज पर वीक अभी चार्जेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो अभी 60-70 पर वीक आपको लगता है। अगर आप ये मैं लोकल का बता रही हूँ, लोकल अगर आप शॉप से ले रहे हैं तो उसका वो तो नॉर्मली लेना ही पड़ेगा, तो फिर आपका उसका अराउंड 60-70 पर वीक पाउंड आप कैलकुलेट करके चलिए। और हम लोग सॉरी मैं हम लोग जो है हम लोग नॉन वेजिटेरियन है, तो हम लोग नॉन वेज भी लेके आते हैं, वेज भी लेके आते हैं, बाकी तो जो मिल्क है, दही है, ये सब मिला के ही मतलब 70 pounds अप्रोक्सीमेटली 60-70 pounds पर वीक के हिसाब से आता है। हाँ। तो इनको 4 कर लीजिए। हाँ। और इंडियन शॉप तो हम लोग मंथली हमेशा तो जाते नहीं है, तो मंथली दो बार अगर हाँ, एक या दो बार हाँ, तो उस हिसाब से आपका 100-200 pounds उसका पड़ लीजिए। तो सब टोटल मिला के समझ लो 400 pounds ओवरऑल मोटा मोटा हिसाब पकड़ लो, किसी मंथ ज्यादा भी होता है, किसी मंथ कम भी हो जाता है, 400-500। और हम लोग का 3 लोगों का फैमिली है, मोटा मोटा हिसाब है, कम भी आता है कभी ज्यादा भी आता है, और इसमें सारे सब कुछ घर का सब कुछ राशन पानी सब्जी भाजी सब मिला के।
ट्रैवलिंग कॉस्ट, तो ट्रैवलिंग कॉस्ट भी शिप भी अगेन कंसिडर करेंगे. तो मैं पहले थोड़ा सा बता देती हूँ, तो अगर आप लंदन एरिया में रहते हो तो नॉर्मली लंदन में अगर ऑफिस जाना है या फिर स्टूडेंट है तो उन लोग डेली अप डाउन करते हैं, तो उन लोग नॉर्मली क्या करते हैं, ट्यूब का जो है पास बना लेते हैं. तो ट्यूब का पास अप्रॉक्सीमेटली 200 pounds पर मंथ आता है. और अगर आप ट्यूब नहीं भी यूज़ करो, जैसे हम लोग लंदन में नहीं रहते, हम लोग ऑक्सफोर्डशायर में रहते हैं और शिप का वर्क फ्रॉम होम है, तो इसलिए ट्रैवलिंग कॉस्ट हम लोगों का काफ़ी ज़्यादा कम आता है. लेकिन जो लोग रेगुलर ऑफिस गोइंग है तो उनको डेली ट्रैवल करना पड़ता है. आप चाहे खुद का कार ड्राइव करो, चाहे आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो, यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, जैसे ट्रेन या बस का जो है काफ़ी ज़्यादा, मतलब ट्रेन, बस, ट्राम है. हाँ, तो महंगा है काफ़ी. लेकिन सब मिला के ओवरऑल कितना, 200, हाँ 200 pounds. हाँ, मतलब उसके लिए भी आप एक तो उसमें भी अलग अलग ऑफर्स हैं कि अगर आप एक कार्ड होता है वो कार्ड को आप चार्ज कर ले, क्योंकि हमेशा आपने अमाउंट देना नहीं पड़ेगा, या फिर टैप एंड टैप ऑफ करके आप अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को भी यूज़ कर सकते हैं. और ट्रैवलिंग कार्ड भी होता है वो भी बना लीजिए. फिर आप डेली का आप एक ज़िगज़ैग होता है, फिर फैमिली कार्ड होता है, वो सब भी आप बना सकते हैं. तो उस हिसाब से आपका वो हो गया. और उसके बाद फिर अगर आप वर्क फ्रॉम होम हैं तो फिर आपको ट्रैवलिंग कॉस्ट थोड़ा कम होगा. अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं तो ट्रेन का भी आप बुकिंग कर सकते हैं. और उसमें भी आप ट्रेन में भी जब बुक कर रहे हैं तो उसमें भी अगर आपने एक फैमिली कार्ड बना लिया या फिर आप एडल्ट कार्ड बना लिया, तो उस हिसाब से आपके चार्जेस में थोड़े डिस्काउंट्स मिलेंगे. मतलब मोटा मोटा हिसाब पकड़ के रखो, अगर आप डेली ऑफिस जा रहे हो या यूनिवर्सिटी, अगर आप स्टूडेंट हो देख रहे हो, तो अगर आप डेली ट्रैवल कर रहे हो तो मोटा मोटा हिसाब है कि 200 pounds आपको ट्रैवल के पीछे जाने वाला है एवरी मंथ. और उसके बाद है जैसे वीकेंड में या कभी हम बाहर खा रहे हैं, रेस्टोरेंट वगैरह में जाके खा रहे हैं, तो उसका भी मोटा मोटा हिसाब, मतलब घूमने गए, हाँ, थोड़ा बहुत इधर उधर. अगर आप यहाँ का लोकल खाना अगर खा रहे हैं यूके में, तो फिर आपको उतना एक्सपेंसिव नहीं पड़ेगा. अराउंड क्या, और बर्गर पिज्जा यही सब खाएंगे, वो आपको 20-25 pounds में आराम से हो जाएगा. लेकिन अगर आप कोई इंडियन रेस्टोरेंट में जाके खा रहे हैं तो आप 80-100 pounds पकड़ के चलिए, उतना तो लगेगा. तो हम लोग बाहर का खाना बहुत कम ही खाते हैं, हम लोग घर पे बना लेते हैं, तो इसलिए हम लोग उसमें सेव कर लेते हैं. बचत करनी चाहिए इसलिए हम उसमें सेव कर लेते हैं. और बाकी यहाँ का जो रेस्टोरेंट अगर पूछोगे, हम लोग जिस एरिया में रहते हैं तो यहाँ के जो इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, हम लोग को उतना ज़्यादा, फ्रेंकली स्पीकिंग, उतना ज़्यादा टेस्टी नहीं लगता है. तो इसलिए हम लोग का खर्चा भी कम है. हो सकता है बाद में कहीं और शिफ्ट होंगे, वहाँ ज़्यादा अच्छा मिला, तो हो सकता है ज़्यादा खर्चा बढ़ जाए. तो ये डिपेंड करता है, जिसमें आप सेव कर सकते हो ये आपके ऊपर है. क्योंकि इंडियन रेस्टोरेंट में टू बी ऑनेस्ट इंडियन टेस्ट कम बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंडियन से ज्यादा यहाँ के लोकल पब्लिक खाने के लिए आते हैं, तो फिर वो इंडो ब्रिटिश खाना बनाते हैं. जैसे अगर यूरोप में जाए तो यूरोपियन, लेकिन लंदन साइड में अगर जाएंगे ना तो अच्छे अच्छे मस्त मस्त वाले रेस्टोरेंट है वहाँ पर. सो नेक्स्ट टॉपिक है, अगर घर पे बच्चे हैं साथ में तो किड्स एक्टिविटी क्लासेस में भी डेफिनेटली आप डालने वाले हो. जैसे हम भी जलीशा को बीच में ड्रामा क्लास में डाले थे, फिर उसका स्विमिंग क्लास चलता था, फिर कुछ कोचिंग क्लासेस, अगर मतलब म्यूजिक वगैरह हो गया या कोई भी लेसन वो ले रही है, तो उसके पीछे भी मंथली बेसिस पे खर्चा जाता ही है. तो उसका हम एक अप्रॉक्सीमेट अंदाज बता देते हैं, क्योंकि वो फिक्स नहीं है. कभी कोई क्लास बंद कर दिया, जैसे अभी ठंड है तो हमने स्विमिंग क्लास उसका स्टॉप करवा दिया, लेकिन समर के टाइम पे स्विमिंग क्लास जाती थी और हम लोग भी सब्सक्रिप्शन लेके रखे थे, हम लोग भी कभी कभी जाके स्विमिंग कर लेते थे. तो उसका बता दो, वो भी स्विमिंग क्लास का कितना लगता उसका था? उसका अप्रॉक्सीमेटली 30 pounds है पर मंथ. 30 pounds उसका है, ऐप से आप कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन का अलग लगता है, और उसके बाद फिर वो रजिस्ट्रेशन बाद में लास्ट मंथ में आपका एडजस्ट हो जाता है. और उसका ड्रामा क्लास का मेरे ख्याल से 150 pounds था. हाँ, ड्रामा क्लास का 150 pounds था एक पूरा सेशन का, एक पूरे टर्म का. उसमें अराउंड आपका 10-12 ऐसा क्लासेस था. और जैसे कोई कुछ भी एक्स्ट्रा क्लासेस, सब एक्चुअली इसका बता पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि किड्स बच्चों का डिपेंड करता है आप किस में. अगर उसको हम जिमनास्टिक वगैरह का जो है या कोई क्लब में अगर आपने डाला हुआ है तो सबका एक्चुअली अलग अलग है. तो क्लासेस यहाँ पे बहुत सारे चलते हैं, तो जिसमें आप डालोगे उस हिसाब से खर्चा. स्कूल के भी क्लब्स है, स्कूल भी बीच बीच में ऐसे एक्टिविटीज कराते रहते हैं, उसमें भी आपको बहुत सारे फ्री है, बहुत सारे चार्जेबल है, उस हिसाब से. तो बता पाना बहुत मुश्किल है, बट मतलब एक आइडिया हमने दे दिया. जितने ज्यादा क्लासेस में आप डालोगे उतना ज्यादा कॉस्टली. और बाकी बच्चे को डालना जरूरी है, क्योंकि बच्चों को एंगेज रखना जरूरी है यहाँ पे उसके उनके डेवलपमेंट के लिए. तो इसलिए सभी मम्मी पापा लोग कुछ ना कुछ क्लासेस में एंगेज करके रखते हैं, तो इसलिए इसके पीछे भी अच्छा खासा खर्चा होता है. तो मेन जो है सबसे ज़्यादा मोटा, मतलब सबसे ज़्यादा महंगा जो है यहाँ पे रेंट है,
और अगर आप हिसाब लगाओ मतलब 1200 pounds यानी कि अप्रोक्सीमेटली कितना इंडियन करेंसी, 1,20,000 इंडियन करेंसी के हिसाब से यहाँ का मंथली रेंट है। तो मोटा मोटा बाकी पाउंड का रेट जो है अप डाउन होता रहता है, तो इस हिसाब से आप बहुत सारे में शेयरिंग में अभी ऐसा फैसिलिटी है कि आप सिर्फ रेंट दे दीजिए और वही और आपको कुछ देना नहीं पड़ेगा, ऐसे बहुत सारे आप सर्च कर सकते हैं अगर आप बैचलर आ रहे हैं तो या फिर स्टूडेंट आ रहे हैं तो उसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी इंटरनेट वाटर सब कुछ इंक्लूडेड है रेंट में, तो उस हिसाब से भी आप सर्च कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, जो लोग यूके आने वाले हो माइग्रेट होने वाले हो तो उनको एक अंदाजा लग जाएगा कि यहाँ पे मंथली कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना है। हमने सबका अलग अलग बताया है, आप हिसाब लगा के टोटल निकाल लेना कितना अप्रॉक्सीमेटली है, और कभी बढ़ता है कभी घटता है डिपेंड, और अभी तो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है यहाँ यूके में, सब चीज़ ही महंगा हो गया है तो उस हिसाब से खर्चा भी बढ़ गया है। तो बाकी यही था वीडियो आज, आई होप कि आज का वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा उन लोगों के लिए जो पहली बार यहाँ आने वाले हैं, और उनको एक अंदाज़ा हो जाएगा। हम लोग 3 लोगों का फैमिली है तो हमारा ये खर्चा है। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और कुछ कमेंट हो तो वो भी हमें ज़रूर करना, हम उसमें रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।